दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार थी। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उन्हें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की मित्र कही जाती थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको द्रौपदी की वो 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी ही बदल गई थी। दोस्तों, यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज शायद महाभारत का इतिहास ही कुछ और होता। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको द्रौपदी की गई उन 5 गलतियों के बारे में ही बतलाते हैं। दोस्तों, द्रौपदी की गई पहली गलती थी स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। दोस्तों, द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह की कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया। दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। द्रौपदी की गई दूसरी गलती थी पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। फ्रेंड्स, अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास ही कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। तीसरी गलती थी दुर्योधन का अपमान। फ्रेंड्स, द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई थी। यही कारण था कि द्वित कीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। धूत कीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चौथी गलती थी फ्रेंड्स, युद्ध के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, द्रौपदी ने अपने चीरहरण के बाद पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते तो धिक्कार है तुम पर। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीर कर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। और द्रौपदी की गई 5वीं गलती थी फ्रेंड्स, जयद्रथ का द्रौपदी पर बुरी नजर। दोस्तों, जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और द्रौपदी को जयद्रथ से बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडव को ऐसा करने से रोक लिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका के बारे में जानकारी। दोस्तों, हालांकि द्रौपदी उपरोक्त के अलावा और भी बहुत कुछ योगदान रहा। इनमें से महाभारत में द्रौपदी के कुछ कार्य ऐसे भी हैं फ्रेंड्स, जिनके लिए उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।